नमस्कार दोस्तों, रेसलिंग के फ्रीस्टाइल के मुकाबलों में पुरुष कैटेगरी में भारत ने फाइनली पहला कोटा हासिल कर लिया है और ये कोटा प्लेस हासिल किया है 57 किलोग्राम भार वर्ग में अमन सहरावत ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में बुल्गारिया के रेसलर को 10-4 से हरा कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में अमन ने जबरदस्त खेल दिखाया और टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर 10 पॉइंट के अंतर से यूक्रेन के रेसलर को 12-2 से हरा कर ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए क्वालिफाई किया। ओलंपिक क्वालिफिकेशन राउंड में अमन ने एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर 10 पॉइंट के अंतर से 12-2 पॉइंट के साथ नॉर्थ कोरिया के पहलवान को हराकर पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए क्वालिफाई किया। पुरुष वर्ग में रेसलिंग के अंदर क्वालिफाई करने वाले अमन सहरावत भारत के अकेले खिलाड़ी हैं। आज रैपचेज मुकाबलों में 65 किलोग्राम भार वर्ग में सुजीत और 74 किलोग्राम भार वर्ग में जयदीप से उम्मीद है कि वो भी पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर पाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।